मेरा नाम बलजीत सिंह है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने डॉक्टर टीएस गिल के बारे में यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी इनका देखा था, नी रिप्लेसमेंट सर्फेसिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई ब्लड लॉस भी बहुत कम रहता है और बाकी और भी कई चीज़ें जो हैं नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट से बेटर है। तो कई लोगों का भी सुना था मैंने यूट्यूब पे और भी देखा था, तो उससे मैं बड़ा कन्विंस हो गया था। फिर इनका डॉक्टर गिल का एक कैंप लगा था दिल्ली में और वो भी मैंने अटेंड किया था, तो इनसे बात किया। बात करके करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के, और मेरे जो थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह भी थे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिए, और मैंने सोचा कि भी मैं अपना जो ये सफरिंग है ये इन्हीं के थ्रू ठीक करवाऊंगा। मेरे को जबकि 10-12 साल से ये नी प्रॉब्लम थी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन एक दिल में थोड़ा सा डर सा होता है कि कभी ख़राब और ना हो जाए, लेकिन मैंने 19 सितंबर को ये ऑपरेशन करवाया था और आज 5वां दिन है और मेरे को डिस्चार्ज किया जा रहा है, और इस समय मुझे कोई भी पेन नहीं है, कुछ नहीं है। पहले 1 या 2 दिन में हल्का पेन रहता है, वो भी टॉलरेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। और मैं कोई भी जो नी रिप्लेसमेंट का सोच रहा है वो उससे कहूँगा कि ये नी रिसर्फेसिंग बहुत अच्छा भी है और ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा सेफ, और आप मतलब बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हो, रिकवरी बड़ी फास्ट है। मैं इनकी धर्मपत्नी सरबजीत कौर हूँ और ये हमेशा मुझे यूट्यूब से बताया करते थे, ऐ देख कितना अच्छा है, ऐ देख सरबजीत तरनदीप सिंह गिल जी यूट्यूब पे। तो मैं सोचती थी सबको ही एनजी करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट वास्ते ये वो, तो मैनू खैर मैं बाकी भी देखे, फिर बाकी रिव्यूज़ लोगों के वो भी सुने, मैनू अच्छा लग्या। लेकिन जो असी दिल्ली गए और लोग स्पेशल थैंक्स करने आए तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब लोग इतना खुश थे जो यहाँ से करवा के गए थे, ये दोबारा बुलाते भी नहीं आए, एक बार करने के बाद उनको है कि अब बस ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब भी वो कि हम तो डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल जी का सिर्फ थैंक यू करने आए, हम मिलने आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है। एक तो 10 दिन बाद ही वहाँ पर आया हुआ था और वॉकर के साथ, और दूसरा जो है उसको 1 महीना हुआ था, तो वो जो 1 महीने वाला वो तो कह रहा था आज मैं सीढ़ियाँ उतर के आया हूँ, और वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, इधर उधर उधर सबसे बात भी कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसको देख के भी, ये इतना खुश है कि अब मैं इतना अच्छा चलने लगा हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है जो इनका तरनदीप सिंह गिल जी का जो समझाने का तरीका है, उनकी जो प्रोसीजर है जर्मनी का, जो जर्मनी की टेक्निक है कि हम बाकियों से कैसे अलग हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पर नी रीसरफेसिंग में ब्लड लॉस नहीं होता और जो आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम जो है 20-20 मिनट्स मतलब विद इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, और वो बात सच है जो इन्होंने भी बताया कि अंदर जाके जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने रूम में जब आ गए तो बिल्कुल ठीक थे, और थोड़े देर मेरे ख्याल 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे लगे होंगे, उसके बाद जो है चलना भी शुरू हो गए रूम तक थोड़ा सा। उसके अगले दिन थोड़ा और चलाया और उससे 2 दिन थोड़ी हल्की पेन रही, लेकिन जिस टाइम ऑपरेशन हुआ इन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम कोई पेन नहीं थी, कुछ नहीं पता चला। और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, स्पेशली जो नर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छा, उनका बिहेवियर है बहुत अच्छा, समझाती भी हैं, अंकल आप ठीक हो पूछते भी हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इनका बिहेवियर उनके साथ। अब मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ उनकी, इनकी बातें सुन के कि बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। और बच्चे तो ये कह रहे थे कि आप दोनों इतने फ़ैन हो गए, सेल्फी ले ली है डॉक्टर साहब से इनके साथ। इनके पीछे लाइन लगी हुई है, इनकी भाभी हैं वो अभी सिडनी जा रही हैं, वो भी आके करवाएंगी, इनकी सिस्टर है उन्होंने भी करवाना है। मैं जहाँ मॉर्निंग वॉक करती हूँ या इवनिंग वॉक में भी जाती हूँ तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बताया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो भी बड़ी खुश हुई कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है, अगर आपका सक्सेसफुल हुआ तो हम भी चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है और यहाँ पर कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, आराम से आइए,
और करवाइए, ठीक होके जाइए।